हेलो एवरीवन, आई एम दीपक पूर्वे। दिस वीडियो इज फॉर क्लास सेवेंथ ऑन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर सेवन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, पार्ट फोर। इन दिस वीडियो वी डिस्कस सॉल्विंग ऑफ ए लीनियर इक्वेशन बाय हाउ मेनी मेथड। सॉल्विंग ए लीनियर इक्वेशन मीन्स फाइंडिंग द वैल्यू डेट मीन्स रूट ऑफ वेरिएबल व्हिच सेटिस्फाई द इक्वेशन। डेट मीन्स इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्विंग करने का मतलब ये हुआ कि उस लीनियर इक्वेशन का हम लोग वैल्यू डेट मीन्स रूट फाइंड करते हैं। और वो वैल्यू और रूट किसका होता है, तो उसमें जो वेरिएबल यूज्ड होता है, ठीक है, उसमें इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज्ड होगा उसके वैल्यू फाइंड करते हैं जो उस स्टेटमेंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, वही वैल्यू क्या कहलाएगा, इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। देर आर थ्री मेथड्स फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। फर्स्ट इज ट्रायल एंड एरर मेथड, एंड सेकंड इज सिस्टमैटिक मेथड, एंड थर्ड इज ट्रांसपोजिशन मेथड। नाउ वी डिस्कस फर्स्ट व्हिच इज ट्रायल एंड एरर मेथड। इन दिस मेथड वी ऑफन मेक ए गेस ऑफ द रूट दैट इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस मेथड में हम लोग प्राय क्या करते हैं, तो उस इक्वेशन का जो रूट सॉल्यूशन होगा उसको गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि क्या हो सकता है। अप्रोक्सीमेटली वैसे वैल्यू को हम लोग गेस करते हैं जिससे वो स्टेटमेंट जो है ट्रू स्टेटमेंट हो जाए, वो इक्वेशन का जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ एलजेस एंड आरजेस ऑफ द गिवेन इक्वेशन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच एलजेस इज इक्वल टू आरजेस इज द सॉल्यूशन डेट इज रूट ऑफ द इक्वेशन। इट मीन्स हम लोग एलजेस और आरजेस में उस वैल्यू गिवेन इक्वेशन का डिफरेंट वैल्यूज उस वेरिएबल के लिए हम लोग रख करके फाइंड करते हैं एलजेस और आरजेस की वैल्यू। इट मीन्स अगेन आई रिपीट, डिफरेंट वैल्यूज उस वेरिएबल का रख करके एलजेस और आरजेस की वैल्यू फाइंड करते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर व्हिच एलजेस इज इक्वल टू आरजेस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जिस वेरिएबल के जिस वैल्यू पर एलजेस बराबर आरजेस हो जाता है, वही वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। फॉर दिस वी टेक एन एग्जाम्पल, टेक लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू टेन। नो वी फॉर दिस मेक ए टेबल फॉर वेरिएबल एक्स एंड एलएचएस एलएचएस व्हिच इज एक्स प्लस सेवन एंड आरएचएस व्हिच इज टेन एंड वी लेट्स से LHS is equal to RHS, yes or no? यहाँ पर हम लोग टेबल बना लिए, इसमें LHS x plus 7 है और RHS 10 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 plus 7 is equal to 8। RHS की वैल्यू 10 है, 10 ही रहेगा। अगर 10 के अलावा और कुछ होता है, वहाँ पे वेरिएबल आया रहता, तो उस वेरिएबल की वैल्यू, वो वेरिएबल में उस वेरिएबल की जगह हम 1 पुट कर देते,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, LHS RHS दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो नो, x बराबर 1 पर LHS और RHS की वैल्यू नहीं हुआ इक्वल। अब हम लोग 2 रखते हैं, तो LHS क्या हो जाएगा, 2 + 7 डेट इज 9, यहाँ RHS 10, यहाँ भी LHS RHS इक्वल नहीं हुआ। अब LHS की वेरिएबल की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 3, तो 3 रखेंगे, 3 + 7 डेट इज 10, और RHS की भी वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS यस हुआ। सो क्लियरली क्लियरली वी सी दैट LHS इज इक्वल टू RHS फॉर x बराबर 3। x बराबर 3 के लिए x की वैल्यू जब 3 रखे तो LHS बराबर RHS हुए, हैंस x इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नाउ वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन इज, सेकेंड नंबर दे देते हैं, 3x + 3 इज इक्वल टू 4x, दिस इज एन इक्वेशन, वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। हेयर LHS इज इक्वल टू, LHS इज इक्वल टू 3x + 3 एंड RHS इज इक्वल टू 4x सॉल्यूशन। नाउ ड्रॉ ए टेबल इन विच वेरिएबल x, LHS एंड RHS एंड इज LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पर हम लोग एक्स के डिफरेंट वैल्यू गेस करेंगे और चेक करेंगे हियर वी टेक एक्स इज इक्वल टू 1 देन LHS इज 3 × 1 + 3 दैट इज 6 एंड RHS इज 4 × 1 इज 4। इन दिस केस वी सी दैट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। So here we write no. Now next value of x we take, let x is equal to 2. Then 3 × 2 + 3. We get 3 × 2 = 6 + 3 that is 9 and RHS 4 × 2. Here we substitute the value of x, we get 8. In this case also we see that LHS is not equal to RHS, so here we write no. Now next value we suppose x is equal to 3, then LHS is equal to 3 × 3 + 3, we substitute the value of x is equal to 3, then we get 3 × 3 that is 9 + 3 that is 12 and 4 × 3 which is also 12. So in this case we see that LHS is equal to RHS. Clearly LHS is equal to RHS for x is equal to 3, hence x is equal to 3 is the solution of given equation. Thank you for visiting this video. The remaining concept from this chapter will be continued in next video.